मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह सुबह उठते ही ना जब बारिश हो रही होती है ना तो मज़ा आ जाता है। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर, और सारा गीला गीला और ठंडा ठंडा। सुबह उठते ही ऐसा लगता है कोई शॉल पहन लो, थोड़ा स्वेटर पहन लो। मैं सोचती हूँ जब हमारे यहाँ का ये हाल है तो माउंटेन इलाकों में क्या हो रहा होगा, जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, हिल स्टेशन है जहाँ पर, वहाँ तो बुरा ही हाल हो गया होगा। और इतना अच्छा लग रहा है ना इस समय, ऐसा लग रहा है सर्दियाँ आ गई। सर्दियाँ दिखाती हूँ आप लोग, मैं कभी कभी सोचती हूँ ना ऐसे आधी रात को, मतलब आधी सुबह में 4-4:30 बजे मैं एक वीडियो बनाती रहती हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। कोई व्यक्ति अगर आस पड़ोस का इस समय उठा हुआ हो तो सोचेगा ये क्या हो गया, ऐसे पागल वागल तो नहीं हो गई है कंचन यहाँ पर। और आज अंश तो कॉलेज जाएगा, आज तन्मय का है ऑफ। नहा धो रहे हो, बढ़िया हो, पेड़ पौधों खुश हो, तुम लोग भी हैं, सही है। आज तो तन्मय का तो है प्रिपरेशन लीव, एग्जाम्स चल रहे हैं ना उसके हाफ ईयरली, तो उसकी है आज छुट्टी। तो भाई साहब तो आराम से सो रहे हैं, आराम से। मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे तो जाना है स्कूल, और आज साड़ी नहीं पहन के जमी, आज जाना है सूट पहन के। जब बच्चे नहीं आते ना तब हम सूट पहन के जा सकते हैं। तो बस करती हूँ तैयारी फटाफट, जिस दिन बच्चों ने नहीं जाना होता ना उस दिन मुझे ज़्यादा बनाकर जाना पड़ता है, क्योंकि उनका ध्यान रखना पड़ता है ना पीछे से, भूख लगती रहती है तन्मय को तो बहुत ज़्यादा। सुबह उठकर कुछ करो या ना करो, पहले खाओ अपनी दवाई। भैया क्या करें, जिंदगी दवाइयों पर आ गई, दवाइयों पर। सबसे पहले खाओ दवाई थायराइड की, बिना थायराइड की दवाई खाए हमारा दिन ही नहीं निकलता। और अब जैसे मौसम थोड़ा सा सही हो गया ना तो गर्म पानी से लेती हूँ, अदरवाइज ठंडे पानी से लेती थी। दवाई खाओ दवाई खाओ, इसलिए अपना ध्यान रखा करो कि दवाइयाँ खाने की नौबत ना आए, जो गलती हम कर चुके आप लोग ना करें, ठीक है। ध्यान रखिए अपना। ये बेचारा उठा था फ्रेश होने के लिए, मैंने कहा जरा उठ गया तो मेरे को कड़ी पत्ता ला दे, इतनी बारिश में मैंने अपने लड़के को कड़ी पत्ता लेना भेज दिया वो भी बारिश के मजे लेते हुए जा रहा है। यहाँ से ना पेड़ को ना कटिंग करा दी इस पेड़ की, तो बहुत अंदर हो गया, मेरा हाथ नहीं पहुँचता यहाँ तक। इसका तो बढ़िया आसानी से हाथ पहुँच गया। बारिश देख रहे हो, बारिश मिशन कंप्लीट। बेचारे की नींद पूरी अच्छी तरह से खुल गई, अभी नहीं तो एक घंटा और सोता ही है। अभी इडली भी तुम्हारे को ही फ्राई करके देनी है हमने। इतने फैंस हैं, कैमरा लेके हर जगह रहते हैं मेरे यार। हाँ, सही बात है। इतने फैंस आ जाते हैं। हाँ। इडली भी लोगों को ही फ्राइड देनी है टिफिन में, तो भैया मटेरियल तो चाहिए हमारे को, ला कर दो। अब बारिश हो चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, नहीं उठता तो मैं ही जाती किसी तरीके से। तूफान में अंश की वजह से आया। हाँ, आज से अंश ने सोचा था रनिंग शुरू करेगा, रनिंग। भगवान ने कहा ना बेटा तू ऐसे कम काम करता है, कम थक जाता है, जो सुबह सुबह रनिंग करेगा आराम कर। उठने के बाद आंधी तूफान ले आया मैं, बस ऐसे छोटे मोटे काम करता हूँ मैं। देख लो, चलो बनाए इनके लिए इडली को, छौंका लगाए भाई। हो गया है रेडी इडली का सामान, पानी गया है बॉयल हो गया है। चलो जी, लेट हो गई मैं थोड़ा सा, हो गए 6:15। तो अभी मेरा फर्स्ट लॉट गया इडली का अंदर, अभी तो काफ़ी सारी बनानी है और बारिश भी हो रही है, दस भी नहीं छोड़ सकती मैं। बना देती हूँ, मुझे इसमें सीटी नहीं लगती। जिनके पास इडली स्टैंड है वो तो इजीली कर लेते हैं, पर मेरे पास मतलब कुकर में ही बनाती हूँ मैं तो इडली। चलो 10 मिनट का वेट। से आई हूँ मैं, अभी बस से उतरी हूँ, स्कूल छुट्टी से लेकर अब तक 4 फोन आ गए राधे के, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। और बस से उतरती देखो, दिखाऊँ मैं इसकी हरकत, देख रहे हो मुझे बाहर सड़क पर ही खड़ा मिला है ये, वो भी नंगे पैर। और कल इसका एग्ज़ाम है इंग्लिश का, 4 तो इसने मुझे किए हैं फ़ोन। क्या बात है, राम राम तो हो गई, बात क्या है, पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लग रहा तेरा क्या बात है, फ़ोन पे फ़ोन, मम्मी कहाँ हूँ मम्मी कहाँ हूँ। याद तो बेटे, अब चल
अब मुझे बता, सुबह से लेकर अब तक तूने कितनी पढ़ाई कर रही है, क्या याद किया है, और नंगे पैर आया देखो ये। तो कोई तरीका है तुम्हारा? ये मेरा प्यार है, ये प्यार है, इसको प्यार। और अभी जाकर पूछूंगी ना क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहानियां सुनना इसकी, 50 कहानियां। 10 तो इसने फोन किए मुझे 10 स्कूल में। अभी तू चल, मैं तो आज पूरी कॉल डिटेल निकलवाऊंगी तेरी। चलो फिर, ठीक है ठीक है। घर पहुंच, चलो घर पहुंच गए, होम स्वीट होम। हाय, कहां गया मैं? हाँ ये रहा। तो मैंने मम्मी के लिए अभी एक चीज बना रखी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कांगी अबे दिख जा, अरे दिख जा, स्पून हटा, ये देखो थोड़ा बहुत पता। तो अब मम्मी को खिलाने जाते हैं वो चीज जो मैंने बनाई है। मम्मी आईज क्लोज रखना, बिल्कुल क्लोज, अब खोल लो, आंखें खोल लूं, अब खोल लो। लो क्या है? आइसक्रीम है, खुद बनाई हुई। किस चीज की है? अभी मम्मी को दिखाते हैं कौन सी आइसक्रीम है। खा के बताओ किस चीज की है। फ्रूटी है, फ्रूटी माजा। वो जमा दिया तूने, माजा वाली आइसक्रीम। थोड़ी सी बची मैंने कर दी। अच्छी है, थैंक यू। सही बताओ, अच्छी लगी? वैसे आप फ्रूटी फ्रूटी माजा वाजा बिल्कुल नहीं खाती हो? पीती हूँ, मैं पीती हूँ। नहीं अच्छी है, नाइस। मैंने आपको बताया है ना कि राधे का कल एग्जाम है, तो आज राधे घर पर था, छुट्टी थी राधे की, तो इसके पापा टीवी का रिमोट ही छुपा गए थे। राधे, टीवी का रिमोट नहीं मिला था तुझे? अरे बता दे कहाँ गया था रिमोट। और पता है रिमोट कहाँ रखा था? वो आपको पीछे फोटो दिख रही है, उसकी फोटो के पीछे, उस फोटो के पीछे। और तन्वी को पता ही नहीं रिमोट कहाँ है, घर पर है या नहीं। मैंने इतना, मैं रिमोट ना मिलने की वजह से इतना पढ़ा मैं आज की, मुझे रिमोट पता नहीं कब मिलेगा। मैंने हर जगह ढूंढा, पर वो देखो उधर, उसके नीचे पीछे था, मतलब फोटो के पीछे रिमोट रखा हुआ। और मैंने आकर, जब मैं बैठी रेस्ट करती हूँ तो मैं व्लॉग वगैरह देखती हूँ आकर, तो मैंने अपने हस्बैंड से फ़ोन पर पूछा, मैंने कहा रिमोट कहाँ है? तो कह रहे पहले आप घर पहुँचो तब बताऊँगा। मैंने कहा घर तो मैं आ गई, तो बोले अच्छा फोटो के पीछे पड़ा है ले लो। तो मैं कहा ना इंप्रेशन देखने वाला था, उस समय मैं फ़ोन पर ना इनसे बात कर रही थी, अदरवाइज मैं आपको दिखाती इसका फेस, जिस हिसाब से इसने फोटो के पीछे से यू रिमोट निकाल कर देखा। यही ट्रिक है इसके साथ, अब यही ट्रिक करनी है, लैपटॉप भी छुपा के जाना है और रिमोट भी छुपा के जाना है, तभी ये पड़ेगा, अदरवाइज फिर पूरा दिन ही टीवी देखता रहता है। नहीं झूठ। अब तुम खा क्या रहे हो? इडली। चलो ठीक है, अब हम खाते हैं खाना। हमारा सोना होता है, लोगों की दावत होती है, हम आराम फरमाते हैं, लोग दावतें करते हैं, और जब अगर हम उठकर कुछ कहें तो फिर वो दोबारा दावत करते हैं। कौन है वो शख्स, जानना चाहेंगे आप? जनता जानना चाहती है कौन है वो शख्स जो माँ के सोने के बाद दावत करता है, माँ के उठने पर दावत करता है, जिसका जीवन दावतों में ही गुजर रहा है, कौन है वो शख्स? वो अभी आपके सामने आ, ये है वो शख्स, ये जिस, पहचानिए जनता। हाय हाय, मैं हूँ। हाय हाय हाय, और सुनाइए। मैं सो गई, उठी तो मेरा फ़ोन गायब था, तो मैंने सोचा कि शायद चार्जिंग पे लगाया होगा, और सही बात है चार्जिंग पर ही लगा था। और जब मैंने पूछा कि क्यों लगा था, कि मैं समोसा खा रहा था। अरे भैया तू समोसा कब खा रहा था? कि मुझे भूख लगी तो मैं बीच में गया और एक समोसा, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा माय लॉर्ड, एक समोसा खरीद कर लाया ये शख्स जो आपको दिख रहा है, और इसने पूरा एक समोसा खा लिया। अब समोसे का नाम हमने सुना, बारिश का मौसम था, अंश भी आने वाला है, तो हमने कभी हम भी खाएंगे समोसा, तो हमारे लिए भी लाओ। तो ये शख्स दो समोसे नहीं, तीन समोसे लाया। ये फिर शुरू हो गया है, ये जो एक चुपके चुपके हमारे पीछे से खा चुका है, और इसने फिर लाने का, इसने हमारे से अलग टोल टैक्स लिया। इसे टोल टैक्स बोलते हैं हम अपने शब्दों में, जो तन में बहुत हमसे टोल टैक्स। अब ये भी आया है कॉलेज से, अंश की जानकारी ले रही हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, बस में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, बस से उतरते क्या हुआ, बस पे चढ़ते क्या हुआ।
मुझे पल पल की जानकारी चाहिए होती है, इससे पल पल की। और नजर मेरी ऐसी होती है फोन में भी, दिखा दे शायद को दिखा दे, पर ये दिखाता ही नहीं है। ब्राइटनेस इतनी जीरो होती है कि मुझे दिखती नहीं है। तो क्या करेंगे मम्मी, देख के बताओ। क्यों नहीं, हक है हमारा। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लगा बताइएगा। आज का व्लॉग बहुत ही ना मस्ती भरा था, सबसे ज्यादा आज के व्लॉग में मस्ती हुई है तन्मय के साथ। तन्मय की आज छुट्टी थी, और जो तन्मय पर टॉर्चर, टीवी का रिमोट छुपा दिया गया, तन्मय के फोन पे फोन, तभी मैं कहूँ इस तन्मय मुझे इतना याद क्यों कर रहा है, तो इसका मतलब क्योंकि जब टीवी नहीं था तो माँ की याद आ रही थी, है ना। और फिर तन्मय ने समोसा पार्टी जो मारी है आज, दो दो समोसे। चलिए कोई बात नहीं, एज है अभी तो उसके खाने पीने की, खाएगा पिएगा ही ठीक रहेगा। और आप लोग प्लीज मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसी का ही आता है। ओके बाय, टेक केयर, बाय भाई। हेलो, हेलो नहीं बाय, हेलो।